सकता हूं कि बिहार सरकार अंधविश्वास निवारण कानून के तहत ऐसे किसी भी गलत लोगों को जो किसी पार्टी के एजेंडे पर चलती है, पार्टी के पैसे पर उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, उसकी मार्केटिंग होती है, जैसे कभी नागपाल लिपस्टिक वाले राम रहीम, आसाराम और बड़े बड़े लाइजनर बाबा लोग जो लाइजनिंग करते हैं, जो 2014 में लाइजनिंग कर रहे थे, डीजल कम हो जाएगा, पेट्रोल कम हो जाएगा, चीनी कम हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ऐसे दो चार बाबा जो लाइजनिंग करते हैं, जिनका संत से, मैं पुनः कहता हूं कि मैं ना किसी संत का विरोधी हूं, मैं रामकृष्ण परमहंस को संत मानता हूं, ना विवेकानंद को संत मानता, मैं वाल्मीकि जी को संत मानता, मैं संत रविदास को संत मानता, मैं मुरारी बापू, मैं उन्हें कथावाचक मानता हूं, एक अच्छा जो चमत्कार के बारे में कुछ नहीं जान, वो बोलते ही नहीं, ऐसे लोग जैसे हजरत हुसैन, जैसे गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, लोरी क्रांतिकारी भगवान मानवता के लिए बचाने परशुराम, ऐसे लोग, मैं भगवान की श्रृंखला वाली बात नहीं करूंगा, जो संत है, जो विज्ञान और अध्यात्म से संपूर्ण मानव जीवन के बदलने की बात करता है, हम उनकी इज्जत करते हैं, उनको आत्मसात करते हैं, उनके जीवनी के चरित्र पर चलते हैं और उनका अनुकरण करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। जैसे आचार्य श्री राम जी, वो साधक थे, संत थे, इस तरह के बहुत सारे लोग जो रियल संत थे, जिन्होंने कभी चमत्कार की, नफरत को अपना आधार नहीं बनाया और किसी पार्टी और व्यक्ति के लिए एजेंडा तय नहीं किया, ऐसे लोग जो 2024-14 के पहले भी भाजपा पार्टी के बड़े बड़े नेता आसाराम के मंच पर नाचते थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बलात्कारी घोषित कर दिया, नागपाल उन्हें जेल में बंद कर दिया मर्डर केस में, राम रहीम सुप्रीम कोर्ट ने उनको मर्डरर माना है, बलात्कारी माना है, बहुत सारी बच्चियों के साथ उन्होंने बलात्कार किए हैं, ऐसे लोग रह रहा करके अब 2024 के लिए एक एजेंडा सेट किया गया, उसी का नाम आजकल मीडिया में हम देख रहे हैं, मीडिया बंधु को कहां से, बड़े बड़े कॉरपोरेटर को कहां से इतना पैसा और फंडिंग आ रहा है मुझको नहीं पता, लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगा, जो लोग यहां पर गाली गलौज पर उतारे हुए हैं, पैखाना पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, अपने ही पड़ेंगे, गोबर पर घी डालिएगा तो महक खुद ही आएगी, गोबर की आएगी, मैं हर उन चीजों का विरोधी हूं, चाहे वो रामायण को कोई गाली दे, चाहे किसी जाति को गाली दे, ब्राह्मण बाहरी है, फलना गलत है, दलित ठीक नहीं है, दलित नीच है, अंबेडकर के बारे में कुछ कहे, मैं संत मानता हूं एंड उन लोगों को, सावित्री बाई फूले को, ज्योतिबा फूले को, रामाजी पेरियार को, उनको गाली कोई दे, किसी जाति का गाली दे करके नफरत पैदा करे, चाहे किसी भी दल का लोग क्यों ना हो, कभी कुरान शरीफ को, कभी मुसलमान को, कभी मस्जिद को बंद कर दो, कभी मंदिर बंद कर दो,
अब बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का की स्थापना किसने किया? विनय कटियार, और वो बलात्कार के केस में इन्वॉल्व थे। हमने एक ट्वीट नहीं किया, संवेदना व्यक्त नहीं की, क्या वो सिर्फ कर्नाटक के प्रधानमंत्री बन गए हैं? क्या एक पूर्णकालिक प्रधानमंत्री की जरूरत इस हिंदुस्तान को है? ये अर्धकालिक प्रधानमंत्री है जो मारे गए लोग हैं, क्या वो मंगल ग्रह पर है? क्या वो भारत में नहीं है? क्या वो 140 करोड़ में से नहीं है? इतने बड़े गृह युद्ध के बावजूद प्रधानमंत्री बजरंग दल में फंसे रहे, प्रधानमंत्री केरला एस्टोरी में फंसे रहे, बाप रे बाप। निर्ममता और निस्संसता के साथ कर्नाटक में रोड शो, इस देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। मैं इस बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम और सभी पार्टी के नेताओं से आग्रह करूंगा, केंद्र सरकार से आग्रह करें, जवाब करें कि क्या वहां डबल इंजन की सरकार है या ट्रबल इंजन की सरकार है। हमें लगता है कि वो ट्रबल इंजन की सरकार है। क्या बिहार के लोगों को जीने का संवैधानिक अधिकार नहीं है? और क्या उसकी रक्षा में सक्षम है या नहीं? प्रधानमंत्री से जानना चाहेंगे, पहले आपने हिंदुस्तान में जब 2014 के बाद नहीं चल रहे थे तो पुलवामा हुआ, पुलवामा में आने के बाद आपने एक पिक्चर बनाई, उस पिक्चर का नाम था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद दूसरा पिक्चर आपने बनाया जिसका नाम था महानायक नरेंद्र मोदी। उसके बाद जब उससे भी आप सक्सेस नहीं हुए तब बनाए कश्मीर फाइल, जब उसमें भी आप नफरत पैदा करने में चूक गए तब आपने बनाया, शुरू किया बजरंग दल, जो सबसे बड़ा बलात्कारी आदमी ने जिसको बनाया था, करने का जो निवारण है उसके तहत उन पर कार्रवाई करें। बिहार जहां विकास, शिक्षा, विज्ञान, झूठा चमत्कार और अंधविश्वास को किसी भी कीमत पर बिहार की धरती बर्दाश्त नहीं करेगी। महान खगोल विज्ञान आर्यभट्ट, दुनिया के आयुर्वेद का ज्ञान चरक संगीता देने वाला स्वास्थ्य विज्ञानी चरक की धरती है, ये अनाचार फैलाने की इजाजत पप्पू यादव जैसे लोग नहीं देंगे। अभी कल राजस्थान में कांग्रेस के मंत्री हेमा राम चौधरी ने अपने बेटे वीरेंद्र चौधरी के नाम पर वीरेंद्र धाम बनाया, जिसमें 30 करोड़ की जमीन पर 20 करोड़ में शिक्षा ग्रहण करने के लिए मुफ्त हॉस्टल का निर्माण किया। बिहार में ऐसे ही धाम की जरूरत है, जिसमें कल्याण छात्रावास, दलित, अत्यंत पिछड़ा, ऊंची जात के गरीब, माइनोरिटीज के लिए। अब वहीं पर जिसका नाम आप ले रहे हैं उसका नाम हम नहीं लेना चाहते, कौन शास्त्री है, एक नया बागेश्वर धाम बनाया जिनके जरिए वो अंधविश्वास फैलाता है और सनातनी हिंदू धर्म को वो कलंकित करता है। अब वो बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा तय करता है। बिहार को राजस्थान जैसा वीरेंद्र धाम चाहिए, मध्य प्रदेश जैसा बागेश्वर धाम नहीं। और जो लोग उन्हें ला रहे हैं, क्या उनकी बेटी बीबी, पप्पू यादव की बेटी बीबी, पदाधिकारी बड़े लोगों की बेटी बीबी, क्या कलश स्थापना कलश को लेकर के पैदल चलेंगे? क्या चमत्कार है तो बिहार से बाढ़ की मुक्ति हो जाएगी, बिहार से गरीबी खत्म कर देंगे, बिहार की सारी फैक्ट्री चालू हो जाएगी? का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं।
आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।